रहमान भाई, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरे सामने दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है न्यूमेटिक ग्रीस पंप। दोस्तों, न्यूमेटिक ग्रीस पंप में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या उसका फंक्शन होता है और क्या उसकी कैपेसिटी होती है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ये आपको बताएँगे। दोस्तों, ये आपके सामने एक टैंकी थी, एक पंप नज़र आ रहा है, ये मैं आपको बताता चलूँ। ये टैंकी, इसकी कैपेसिटी 20 किलो की टैंकी है, इसमें ग्रीस भर दी जाती है और इसके अंदर में पिस्टन सिस्टम होता है, ग्रीस जो सक्शन होती है, प्लंजर टाइप का जो ग्रीस को सक्शन करता है वो, और ऊपर में ग्रीस पंप लगा हुआ है जो इसको ऑपरेट करवाता है। इसको ऑपरेट क्या चीज़ करवाती है, ग्रीस के कैसे लेता है, उसके पीछे एक वाल लगा हुआ है जो एडजस्ट करता है प्रेशर को, और उसके पीछे फिटिंग है इनलेट पे, तो ग्रीस जाहिर बात है जो पिस्टन टाइप का इनलेट पाइप लगा हुआ है वहाँ से ग्रीस इन होती है और ग्रीस पंप का प्रेशर बन के ये जो आगे आपको छोटा सा वाल सा नज़र आ रहा है जिसके नीचे ग्रीस पड़ी हुई है, यहाँ से आउट होती है और जिसकी आउटलाइन है। अंदर वाला सिस्टम तो इसके ये हो गया, ऊपर इसके पंप लगा हुआ है, पीछे इसके एडजस्टमेंट वाल लगा हुआ है। ये गेज चूँकि इसके ख़राब है, ये प्रेशर शो करती है, ये इसकी गेज है और यहाँ से इसकी एयर की सप्लाई है इनपुट, ये एयर आ रही है, ये एयर दोस्तों इसको डायरेक्ट दी हुई है, ये एयर वाली मेन लाइन है और ये इसका फिल्टर लगा हुआ है, कोई मॉइस्चर वगैरह वो ख़त्म हो जाए। आगे एयर का वाल लगा हुआ है, ये वाल हम आते हैं मान ही रखते हैं, और इसके साथ एक छोटी सी SOP लगी हुई है जिसके कनेक्शन दिए हुए हैं। जब इसका टाइमर पूरा होता है तो यहाँ से ये सप्लाई करती है, एक छोटा सा वाल लगा हुआ SOP डायफ्राम है, यहाँ से ये वाल को ऑपरेट करवा देती है, एयर पास होती है तो ये चलना शुरू कर देता है, जैसे ही इसको सप्लाई बंद करती है तो ये बंद हो जाता है, तो ये एयर उस सूरत में जाती है, जैसे इसको एयर मिलती है ये ग्रीस चलना शुरू हो जाती है, जैसे इसकी एयर बंद होती है ये ग्रीस पंप बंद हो जाता है। ये चलता कैसा है, ये इस टाइम पे इसका ये ऑटो पे, इसलिए ये नहीं चलेगा, इसको मैं मैनुअल पे चला के आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। जैसे ये चलता है तो यहाँ से इसका ये जो रेगुलेटर टाइप का वाल है, जब हम इसको बाईपास करते हैं खोलते हैं तो यहाँ से जब ग्रीस आती है तो इट्स मीन के इसमें ग्रीस पंप इस टाइम पे ग्रीस दे रहा है, टैंक के अंदर ग्रीस होती है, ये इसकी आउटलेट लाइन है, यहाँ से आगे ये डायरेक्ट कनेक्ट है। दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपको प्रॉपर इसका ग्रीस गन के ग्रीस पंप जो है इसके पार्ट्स तो मिल गए, इसका फंक्शन तो मिल गया, लेकिन ये किस पर्पज़ के लिए लगाया जाता है दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इसका पर्पज़ ये होता है, जहाँ पे हमारी अप्रोच ना हो या ग्रीस की क्वांटिटी ज़्यादा बार को ज़्यादा करनी हो तो वहाँ पे ये लगा दिया जाता है और उसके साथ टाइमर ऑन कर दिया जाता है, घंटे में एक बार, घंटे में 3 मिनट 5 मिनट से चलाना होता है, तो वो PLC से इसका टाइमर ऑन कर दिया जाता है तो ये ऑटोमेटिक चलना शुरू कर देता है। इस फंक्शन के लिए इसको चलाया जाता है, तो ये बड़े मज़े की चीज़ है दोस्तों। ये हमने जो वर्टिकल मीन्स में क्लासीफायर होते हैं उनके जो बेयरिंग होता है, स्पेशली जो इनसाइड बेयरिंग होता है, लोअर बेयरिंग होता है, उसके लिए होता है, लेकिन हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं। डबल लाइन गई हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर आउटलेट की लाइन गई हुई है, ये इनलेट की लाइन गई हुई है लोअर बेयरिंग की, और ये ऊपर अपर बेयरिंग की, तो इस तरह से ये फंक्शन करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अपडेट मिलते रहें। तो इसका लोकल फंक्शन भी मैं आपको बताने चाहूँगा।